क्लास 11th और 12th स्टूडेंट के लिए, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप सिंथेसिस करते हैं तो एब्सोल्यूट सिंथेसिस के माध्यम से आप किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें आपको ये पता चलेगा, इसमें बताएंगे थ्रू एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। आप किस प्रकार से सिंथेसिस करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आप किस प्रकार से एक में ऐड करेंगे, समायोजन का करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे द वेदर वाज स्टॉर्मी, दूसरा द प्लेन गॉट लेट। तो पहला सेंटेंस दिया है द वेदर वाज स्टॉर्मी, कहता है मौसम आंधी वाला था यानी कि तूफानी था, और दूसरा है द प्लेन गॉट लेट, ठीक, कहता है कि हवाई जहाज लेट हो गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखते हैं कि लिखा है इसको हम क्या करेंगे, किसी को बना सकते हैं एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में। क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर लिखेंगे द वेदर वेरी स्टॉर्मी, हवा लाएंगे उसके बाद लिखेंगे द प्लेन डॉट वेट। तो इस प्रकार से हम दो वाक्यों को, जिनके पहले था द वेदर वाज स्टॉर्मी, दूसरा था द प्लेन गॉट लेट, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक सेंटेंस यानी कि इसका सिंथेसिस कर दिया। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द रेन इज प्लेंटी दिस ईयर, दूसरा द राइस इज चीप। तो इसमें आपका पहला सेंटेंस दिखाया है द रेन इज 20 दिस ईयर, कहता इस वर्ष बरसात प्रचुर मात्रा में है अर्थात अधिकता में है, और दूसरा है द राइस इज चीप, कहता है ये चावल सस्ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को हम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में डालेंगे। क्या लिखेंगे, द रेन बीइंग प्लेंटी दिस ईयर और द राइस इज चीप। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आप एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं केस एपोजिशन के द्वारा हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में इसका सिंथेसिस करेंगे।
क्वेश्चन किस प्रकार से दो या दो से तीन सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, इसमें पहला सेंटेंस है, लिखा है केतर रवि दर्शन ऑफ माई प्रिंसिपल केतर रवि मेरे प्रधानाचार्य का लड़का है, पुत्र है और दूसरा ही गॉड फर्स्ट इन क्लास टेन केतर अपनी कक्षा दस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आप देखें ये भी इसको जो रवि लिखा है उसके बाद दर्शन ऑफ माई प्रिंसिपल लिखा है, ये दोनों एक ही व्यक्ति यानी कि रवि जो करते हैं। और जब दो ठीक है वर्ड्स एक ही बात को इंडिकेट करें तो आप कहते हैं कि ये कैसे पोजीशन है, तो क्या करें हमारा हो भी सकता है यानी कि रवि है, इसको हम क्या करेंगे पहले पहले शब्द को दूसरे का पोजिशन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे रवि, उसके बाद क्या लगाएंगे दर्शन और माई प्रिंसिपल, माई प्रिंसिपल फिर क्या मान लाएंगे बार फर्स्ट एट क्लास टेन मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य के पुत्र रवि ने कक्षा दस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं, माय मदर नगर का सरदार नगर में रहती है, तो इसमें आपके माय मदर और ये लिविंग इन सरदार नगर एक ही व्यक्ति या व्यक्ति को शो करते हैं, कि ये माय मदर नहीं ये जो रानी देवी है असेंटी रानी देवी माय मदर ये एक ही चीज है, तो इसमें क्या करेंगे इसको कैसे पोजिशन के रूप में इसको बनाएंगे और नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम इसी को लिखें। तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट पहले लिखेंगे रवि देवी या माय मदर कवर लाएंगे, फिर यहाँ का हमारा आगे लेट्स या एट इसी प्रकार से हम लिखें मिस्टर राज साधु माई कॉलेज, तो इसमें दिखाया है
ऐसा इशू रहा था तो एक हार्डवर्किंग श्रीमान दास राजू की ठीक है था पत्नी है कठिन पत्नी है और इसी सर प्लस एम आई कॉलेज के तरफा मेरे कॉलेज में लिपिक है तो इसमें ये लिपिक सब मिला है प्लस इन माई कॉलेज और ये मिस्टर दास राजू एक ही बच्ची को शो करता है उनका लिए मिस्टर बाद दिल से बना सकते हैं। थैंक यू।